बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सड़क से सदन तक ओम प्रकाश राजभर पिता के हक के लिए लड़ाई लड़ने का कर रहे हैं। आपको बताते चले, सीतापुर में साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बीते 26 सितंबर को सावधान यात्रा लखनऊ स्थित 6 पार्क रोड विधायक निवास स्थित पार्टी कार्यालय से रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह रथ यात्रा 1 महीने तक यूपी के सभी 75 जिलों से होकर बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को पार्टी के 20 स्थापना दिवस पर खत्म होगी। पार्टी राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर रथ यात्रा लेकर सीतापुर पहुंचे। सिधौली से मोहली विधानसभा करमल कुइया गांव के बीच कई स्थानों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। क्षेत्र के करमल कुइया गांव में जन चौपाल को संबोधित किया गया। जन चौपाल को संबोधित करते हुए अरविंद राजभर ने कहा कि सावधान यात्रा जो 26 सितंबर से लगातार चलाई जा रही, जो कि 21 तारीख तक उत्तर प्रदेश में चलेगी, जिसके उपरांत 27 अक्टूबर को पड़ोस के प्रदेश बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान में लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी, जहां पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा, सरकारी केवल वोट लेने के नाम पर तमाम तरह के वादे करते हैं और जब उन वादों को पूरा करने का समय आता है तो फिर जनता को कहीं ना कहीं ढकेल देते हैं। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा अपने वादों पर खड़े रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने 2017 के चुनाव से लेकर 2022 के चुनाव तक लगातार गरीबों के हक हिस्साधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। गरीबों के हक के लिए गाँव से लेकर सदन तक गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। देखिए, सावधान रथ यात्रा है जो 26 तारीख से लगातार चलाया जा रहा है और 21 तारीख तक उत्तर प्रदेश में चलेगा। उसके बाद 27 अक्टूबर को बिहार बगल के प्रदेश बिहार के गांधी मैदान पटना में 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करके हम लोग पूरे देश को संदेश देंगे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही हैं या जो सरकारें हैं, ये सरकारें वोट लेने के नाम पर तमाम तरह के वादे करते हैं और जब उन वादों को पूरा करने का समय आता है तो फिर जनता को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल देते हैं। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा अपने वादे पर खड़े रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने 2017 के विधानसभा में से लेकर के 2022 के विधानसभा में लगातार अनवरत गरीबों के हक हिस्साधिकार के लिए, वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक तमाम वर्गों के लिए जो भी लड़ाई, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएं, सरकार बन गई, जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराने से पीछे हट रही है और वहीं पर समाजवादी पार्टी का मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह भी बात कहा था चुनाव के दौरान कि सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा। इतना दिन हो गया सरकार भाजपा की बन गई, लेकिन एक बार भी न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न तो कोई धरना हुआ, न कोई प्रदर्शन हुआ कि बिजली बिल माफ़ी को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। विपक्ष के सारे नेता सिर्फ सत्ता को पाने के लिए परेशान हैं और एक नेता विपक्ष में है, ओम प्रकाश राजभर, जो बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर अगर कोई बखूबी बात रखता है, बेबाकी से रखता है, तो ओम प्रकाश राजभर। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बुला करके माननीय नेताजी से उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किए कि राजभर जी, आप क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, जनपदों का भ्रमण करते हैं, जो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं आप बताओ कैसे इससे निपटा जाए। जबकि जो सरकारी रिकॉर्ड आते हैं, सरकारी रिकॉर्ड आज भी बताते हैं, लेकिन जो आप बोलते हो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। हम लोगों ने 2.5 घंटा की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ जी को पूरी ब्रीफिंग किया गया। ब्रीफिंग करने के बाद स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं से जमीन खाली कराने के आड़ में कहीं ना कहीं गरीबों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। जो लगभग 10 साल से लेकर 60 साल तक बेचारे वहां पड़े हुए हैं, उनके घरों को गिरा दिया जा रहा है, इससे निजात दिलाइए। हम लोगों ने कहा योगी जी से कि राजभर समाज आज तक इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, आज़ादी के 75 साल बीत गए, देश में चुनाव 1952 से हो रहे हैं, ये सिर्फ वोट देने के एक मशीन बना हुआ है, संवैधानिक अधिकार इसको नहीं मिला। योगी जी ने पूछा कैसे मिलेगा, हम लोगों ने कहा कि अनुसूचित जनजाति की 19 जातियों में से 18 जातियों को आपने उसी जनजाति में शामिल कर दिया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल तेजस 24 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।